नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के भारतीय जनता पार्टी के केशव मंडल उपाध्यक्ष इदरीस खान के प्रतिष्ठान पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 51वें जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर जश्न मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य सरदार सुखदर्शन सिंह बेदी और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री मोहन तायल, वार्ड 20 से सभासद हनीपाल, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री रविश अंसारी मौजूद रहे, जहां सभी ने केक काटकर योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और सभी को एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। इस दौरान मुख्य रूप से आमिन मिर्जा, रिजवान, अरशद अली, सलमान, हाजी जफर, इंतजार, साजिद, जाहिर, गुड्डू, इकबाल अहमद, नफीस अहमद, नवाब अहमद आदि मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी का 51वां जन्मदिन मनाया गया है बड़े हर्षोल्लास के साथ, और बड़ी संख्या में यहाँ मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा है। ये बहुत अच्छी बात है, और भारतीय जनता पार्टी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी जो काम कर रहे हैं, उसका मुझे लगता है परिणाम है। आज अन्य जो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को भी वोट नहीं करते थे, आज उनका भी एक विश्वास हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबके साथ चलती है, सबको साथ लेकर चलती है। आदरणीय सुखदर्शन बेदी जी जो हमारे अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य हैं, वो मेरे साथ हैं यहाँ पर, और सारी जो पूरी टीम है, पूरा बाजार है, सबने बड़े खुशी के साथ इस त्यौहार के रूप में इसको माननीय योगी जी के जन्मदिन को मनाया है। आज जैसे कि सबको मालूम है, पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे भारतवर्ष में मालूम है, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं, और उनका आज 51 जन्मदिन है। ज़्यादातर तो जन्मदिन वर्ष उनका हम लोगों ने पेड़ लगा कर मनाया गया, क्योंकि आज वृक्षारोपण का भी दिवस है, इसलिए पेड़ लगा के उनके दिवस को ज़्यादा मनाया गया। लेकिन आज हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के महामंत्री रवीश जी ने का आग्रह है कि हमारे इस मार्केट में सभी मुसलमान भाई उनका एक अपना जन्मदिन मनाना चाहते हैं, आप आए तो हम यहाँ पर आके देखा कि बहुत अच्छी भीड़, पूरी मार्केट में सभी लोग, कोई ऐसा नहीं है इस मार्केट का जो बचाओ जिसने आज योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन ना मनाओ। इसी उपलक्ष्य में इन लोगों ने अपने लड्डू और केक दोनों का वितरण किया गया है, और सब ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह उनके लगभग आप ही समझ लो पहले 5 साल, 1 साल, इसके 6 साल, 6 साल में काम किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को उसी के अंतर्गत सारे कार्य हो रहे। कभी उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ जनसंख्या को उन्होंने अपना सबको माना है, ये नहीं कहा कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है, सबके लिए वही योजनाएं जो किसी के लिए भी है वो सभी के लिए योजनाएं दी गई हैं। ऐसे ही इनका विश्वास बढ़ता जा रहा है, और मैं यही चाहता हूँ आप लोग धीरे धीरे जब नज़दीक आएंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो आपको पता ये लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ बड़े प्रेम से रहती है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी पार्टियाँ रही उन्होंने कभी भी किसी भी मुसलमान को कोई कार्य नहीं किया, इन लोगों ने किया। इतना ही मैं आपको, फिर मैं योगी आदित्यनाथ जी के आज जन्मदिन की सबको, पूरे नगरवासियों को जन्मदिन की बहुत 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 बधाई देता हूँ, धन्यवाद। देखिए, आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आज 51वां जन्मदिन था, जो चंद्रा मार्केट के सामने जो हमारी मार्केट है उसमें बड़ी धूमधाम के साथ अल्पसंख्यक मोर्चे ने जो है बड़ी धूमधाम के साथ मनाया है इस जन्म को, और सभी अल्पसंख्यक भाइयों ने हमें कहा है कि 6 साल जो हैं बेमिसाल रहे हैं, और हम आगे भी यही उम्मीद करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके सबका साथ सबका विकास के साथ कार्य कर रहे हैं, आगे को भी माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरे समाज को जो है और पूरे मुस्लिम समाज को जो है एक साथ लेकर के कार्य कर रहे हैं। आज उन्होंने मुख्यमंत्री जी को 51 साल हो चुके हैं, 51 साल के हो चुके हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी का हमने बहुत अच्छी तरीके से जन्मदिन मनाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से सबने साथ दिया है, सारी मार्केट के सहयोग के साथ। अच्छा, एक बात देखा जाता है कि मुस्लिमों में जन्मदिन बीजेपी के नेताओं से कुछ रहता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो सब जन्मदिन मनाते हैं, घरों में भी जन्मदिन मनता है, सब घर में सब मुसलमानों के जो बच्चे हैं वे भी जन्मदिन मनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो विचारधारा नहीं है पहले वाली। आज योगी आदित्यनाथ जी के 6 साल पूरे हो चुके हैं, 6 साल में योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया है, जितने गुंडागर्दी थी वो सब ख़त्म किया है, मुस्लिम समाज में बहुत अच्छा काम किया है, सबको
मकान मिले हैं, सबको योजना मिलती है, ऐसी बात नहीं, राशन फ्री चल रहा है अभी तक का, ठीक है। नहीं, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आप मुस्लिमों को? संदेश यही देना चाहता हूँ, बहुत अच्छी सरकार काम कर रही है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास है, ठीक है। गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, हमारी धी बेटी सही सलामत बिल्कुल स्कूल जा रही है, स्कूल से आ रही है, रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। जैसे कि पिछली सरकारों में लड़की छेड़ना काम किया जाता था, वो ऐसा नहीं होता है, अब सही सलामत लड़की अपने घर जाती है, सही आती है। 2024 के चुनाव को किस तरह की? 2024 की तैयारी भाजपा की बहुत अच्छी चल रही है, ऐसी बात नहीं है, 2024 की तैयारी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। वक्त हो चला है आप सभी लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।